बढ़ेगा, और ईद तो मनाना ही है लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके आपको मनाना है। और ये औरंगाबाद के लोगों के लिए, कोरोना को हराने के लिए आप सबको मदद प्रशासन को करना पड़ेगा। और ईद की नमाज कैसी अदा करना है अभी तो हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, मस्जिद में दो तीन लोग जो व्यवस्थापक है वही नमाज चालू है, बंद नहीं है नमाज। हर मस्जिद में दो मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए, चार आदमी है, कई कई पांच आदमी, इतने आदमी है, बंद नहीं है। लेकिन ऐसा ही इतिहाद बढ़ते थोड़ा मदद करे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला ईद अच्छी तरह से एक आदर्श एक लोगों के लिए औरंगाबाद की तरफ से होगा। इस वास्ते मैं सब उलेमा मौलाना हफीज और हमारे अजीत दोस्त को मैं दरखास्त करता हूँ कि आने वाला जो एक अगस्त है उस दौरान हमें पुलिस प्रशासन को मदद करे, किसी हालत पे औरंगाबाद का नाम अच्छा रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो फिर मैं पुलिस दल की तरफ से, महकमे की तरफ से इन एडवांस ईद मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे डीसीपी झोनवन साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हिदायत दें। जैसा कि आप सबको मालूम है, 1 अगस्त से पूरे अगस्त महीने में सभी धर्मियों के बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, और इसी बीच हम कोरोना के साथ भी युद्ध कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि औरंगाबाद के सभी नागरिक कोरोना के तहत प्रशासन जो भी आदेश देगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कोरोना के साथ रहते हुए हम एक एहतियात के साथ अपने सारे महत्वपूर्ण पर्व कैसे मनाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। कहना चाहूंगा कि ये जो संसर्ग जन्य रोग जो भी होता है, इसमें एक हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जिस तरीके की जो भी हिदायत देंगे वो हिसाब से हम सबने अब तक काम किया है, और आगे भी हम उसी तरीके से काम करेंगे, जिससे हमारा जो पहला उद्देश्य है कि ये बीमारी ना फैले। दूसरी चीज है कि औरंगाबाद में जिस तरीके से एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और लोग जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मास्क का यूज आ रहा है, जिस तरीके से लोग खुद आगे होकर बोल रहे हैं कि भाई हमारे भी टेस्ट रस कर लो, मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा बढ़िया रिजल्ट आएगा। और औरंगाबाद इंशाल्लाह कोरोना के लिए जो डाउनहिल होता है उस पे आएगा। अब हमारे जो तादाद है डेली की, जो रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग है, वो पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे कम होगी, और ये हम लोग सब मिलके करेंगे। आपको जैसा मालूम है, अगस्त महीने से ही जैसा कि खासदार साहब ने कहा, सभी धर्मों के बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, और उसमें हम जो भी चीज है आपकी सारे लोगों की मदद लेकर के उस हिसाब से आपको कन्विंस करके बता के, और सबसे अहम बात है कि ये जो संसर्गजन्य रोग है इसके जो एहतियात है इसको पालन करते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी त्योहार आने वाले हैं उसमें हमें जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और आपकी जो भी भावना है उस हिसाब से इसको कहीं ना कहीं मैच किया जाए। और मुझे लगता है कि इस कोरोना का मात करने में हम सफल हो पाएंगे। परंतु एक बार फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा, आपका समाज में वजन है, आप चीजों को समझते हैं, इसलिए आप लोगों को बार बार रिपीट करके बताते रहेंगे मास्क का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कीजिए। और जब भी महानगर पालिका बोलती है कि भाई ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के एंटीजन टेस्ट करा लो, ये ट्रेडर क्लास है इनकी एंटीजन टेस्ट करा लो, उस हिसाब से जो भी उनके निर्देश आएंगे हम उनका पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी रिवाइव होती है। अब जब ये फेस्टिवल आया और इस फेस्टिवल के ताल्लुक से चर्चाएं होने लगी, तो जिस तरह सीपी साहब ने बताया कि 17 जुलाई को एक
नोटिफिकेशन जारी किया गौरव विभाग की तरफ से, और उसके अंदर बहुत सारे बातें बताई गई कि आपने ईद किस तरह से मनाना चाहिए करके। अब मुझे पता नहीं है कि अब ये गृह विभाग के अंदर किस अधिकारी ने ये बताया है कि बाकी के जो कंडीशंस है उसके अंदर चर्चा हो सकती है, लेकिन ईद के ताल्लुक से अगर किसी उलमाए किराम के साथ, किसी मौलाना के साथ अगर बैठ के अगर चर्चा करते और आप समझते हैं कि इस ईद का मतलब कहीं आप एक ईमानदारी के साथ एक प्रेजेंटेशन कर पाते कि जहां पर आप हमको ताकीद करिएगा कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें पॉइंट नंबर 3 है, नागरिकानी शक्य तो प्रतीकात्मक कुर्बानी करावी। अब ये किसी अधिकारी ने, जिस किसी ऑफिसर ने ये बनाया है वो हमें समझाए कि प्रतीकात्मक कुर्बानी कैसी हो सकती है। क्या हम आंखें बंद करके ये तसव्वुर कर लें कि हमने कुर्बानी कर लिए है और वो कुर्बानी हो गई है। बाकी के जितने भी इश्यूज है वो इश्यूज हम भी समझ रहे हैं, और अब तमाम जनता को ये बात समझ में आ चुकी है कि अब हमें कोरोना से डील करते हुए, कोरोना के साथ जिंदा रहते हुए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हम कब तक ये बंद रखेंगे और इबादतगाहें बंद रखेंगे, और सिर्फ इबादतगाहों को क्यों बंद रखा जा रहा है? अगर हर चीज खोली गई है, पूरे दुकानें खोले जा रहे हैं, कारोबार शुरू किया गया है, हर चीज खोली गई है, तो हम तो चाहेंगे कि मंदिरें भी खोल दे, मस्जिदें भी खोल दे, गिरजाघर भी खोल दे, गुरुद्वारे भी खोल दे 5 मिनट के लिए। किसी भी इंसान जब अपने धार्मिक स्थल को जाता है तो मेरे हिसाब से 5 से 7 मिनट तक, अगर सिर्फ अगर मस्जिदों की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ फर्ज नमाजों की अगर हम बात करते हैं तो 7 मिनट 8 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता नहीं है। अब अगर ऐसे मौके के ऊपर अगर ईद आ रही है तो आप हमको ये बताइएगा कि आप कुछ कंडीशंस इम्पोज करिएगा, और वो कंडीशंस के साथ आप कम से कम नमाजें पढ़ने की इजाजत दीजिए। और ऐसा है कि हमने रमजान ईद के अंदर पूरी आपकी ताईद की, पूरा आपके साथ फॉलो करते हुए हमने रमजान ईद को निकाला है। अब सभी फेस्टिवल्स को देखते हुए हम ये चाहेंगे कि सरकार, जैसा मौलाना बंदू साहब ने बताया है, मौलाना इलियास फलाही साहब ने जो बातें बताई है, हम पूरी तरह से उसकी ताईद करते हैं कि ऑनलाइन के ताल्लुक से ये है कि जो लोग खरीदना चाहे वो खरीदे ऑनलाइन, लेकिन अगर आज ही से अगर हम ये तय कर लें कि हम औरंगाबाद के अंदर 6-8 ऐसे बड़े मैदान जो है जहां पर हम जानवरों का बाजार भरा सकते हैं वो हम खुद रखेंगे, और हमारे पूरे वॉलंटियर्स ये ख्याल रखेंगे, औरंगाबाद शहर के नौजवान इसकी ख्याल रखेंगे कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए, ताकि अगर ये फैसला अगर लेट अगर होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बेचैनी रहेंगी। आज अगर इसको हम इंप्लीमेंट करते रहे कि कल से है तो हम इस तरह के काम को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो हो सकता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से, ना तो पुलिस वालों को दिक्कत आएगी और ना पब्लिक को दिक्कत आएगी। दूसरी बात, जिया भाई आपने भी जो किसी, हमने ये इसका ये किया है, सभी उलमाए किराम का ये कहना है मौलाना लोगों का कि ये नमाज आपको मस्जिद के अंदर अदा करनी है। अब आपके कंडीशंस के साथ, अब हमने कनाडा का एक वीडियो देखे है जहां पर मस्जिद के अंदर सौओं से लोग मौजूद है लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और डिस्टेंस कैसा मेंटेन कर रहे हैं, नमाज पढ़ते वक्त भी एक ऐसी सोच है कि हम कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे तो फिर ये होगा कि ये लोग दिखाएंगे मीडिया वाले की, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की। एक तारीख के दिन इंशाल्लाह ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पिछले 4 महीनों से औरंगाबाद की आवाम ने पूरी तरह से प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देते आए हैं, और हमें खुशी है कि प्रशासन और पुलिस ने पिछले 4 महीनों के अंदर जिस तरह का काम किया है, आज औरंगाबाद धीरे धीरे अपनी पटरी के ऊपर लौट रहा है। आने वाला महीना, जैसा सीपी साहब ने बताया है कि बहुत सारे त्योहार हैं, उसमें एक सबसे पहले शुरुआत अगस्त महीने के अंदर होती है ईद उल अज़हा से, उसके बाद श्रावण का महीना त्योहार आता है, फिर उसके बाद गणपति का जो हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है वो आ रहा है, मुहर्रम हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो ये सब त्योहारों को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि अब चूंकि बाजारें खुल गए हैं, मार्केट खुल रहा है धीरे धीरे, तो हम चाहते हैं कि इबादत गाहें भी खोली जाए, ताकि उसमें सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हम, मंदिर गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, ये तमाम जो धार्मिक स्थल है ये सब खोले जाए। इस ईद के ताल्लुक से
हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ, और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि कुछ जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई है वो गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या सरकार के गाइडलाइंस ये दीनी एतबार से ये पॉसिबल है क्या फॉलो करना। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है जिनके पास छोटे दो चार जानवर होते हैं वो आते हैं मार्केट के अंदर, दो पैसा कमाते हैं, तो वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। जो खरीदना चाहे तो बिल्कुल वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए अगर हम शहर के अंदर 6-8 जगह के ऊपर बड़े जो मैदान है वहां पर अगर हम बड़े मार्केट्स अगर एस्टेब्लिश कर दे ताकि लोगों के अंदर एक हड़कंप ना रहे, लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन ना रहे कि क्या होने वाला है करके, और इसको अभी से ही अगर कर देते हैं अगले 2 दिन के अंदर हम इसको शुरू करवा देते हैं तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा और ना कोई दूसरे इश्यूज आएंगे। साथ ही साथ पिछले 4 महीनों के अंदर चूंकि तमाम इबादतगाहें बंद थी तो अब ये मांग उठने लगी है कि कम अज कम ईद की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत दी जाए, जो भी कंडीशंस रहेगी। अब दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं हम कि इबादत गाहें खोल दी गई है, कंडीशंस के साथ किया जा रहा है उसको फॉलो, तो वो कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब नमाज जो है वो उसको ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत मिले, ये मांग तमाम उलमा-ए-किराम की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा है कि प्रतीकात्मक तरीके से आप कुर्बानी करें। प्रतीकात्मक मतलब यह है कि आप सोच लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर लिए है करके, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब ये किसी ना किसी ने तो सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाया, तो आज हम इसके जरिए ये उठाना चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके। तो ये सब चीजें मुद्दे थे, उसके ऊपर चर्चा हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे तरीके से सुना है और हमें यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो लोगों की भावना है उसको सरकार तक पहुंचाकर जिस तरीके से फेस्टिवल्स कई सालों से कई सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं उसी तरह से अब ये दोबारा जिंदगी को शुरू की जाए, यही अपील है। थैंक यू। सर आज जो मीटिंग हुई पुलिस कमिश्नर दफ्तर में तो क्या तय हुआ है मीटिंग में? मीटिंग में असल में कुछ तय तो नहीं हुआ, बस ये कि हमने पुलिस कमिश्नर साहब की खिदमत में अपनी बातें रखी। सबसे पहली बात तो ये रखी गई है कि जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो नमाज है वो नमाज ईद उल अज़हा की पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका ताल्लुक़ कुर्बानी से। अगर ईद उल अज़हा की नमाज नहीं हुई तो कुर्बानी दोपहर तक नहीं की जा सकती, दवाले आफ्ताब के बाद ही कुर्बानी होगी। ईद उल अज़हा और नमाज का गहरा ताल्लुक है क्योंकि ईद उल अज़हा के माने ही है कुर्बानी की नमाज। तो इस तरह से ये बात मालूम होना चाहिए कि नमाज घर में नहीं हो सकती, ईद उल अज़हा की नमाज के लिए इतने आम यानी कि उसका डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मस्जिदों में जो बड़ी मस्जिदें हैं और ईदगाह हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें नमाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं तो ऑनलाइन जो खरीदी की बात है इसमें बात असल में दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि दीन ये कहता है कि जो जानवर आप दवा कर रहे हैं उसको देख कर करें, उसके दांत को, उसकी उम्र को, उसके जिस्म को, उसकी हर चीज़ को देखें उसको और उसके बाद करें। हमारी ये गुजारिश है कि भाई छोटे छोटे मार्केट यानी इसके बकरों के जानवर के लगाए जाएँ और हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मार्केट जो है उससे हम खरीदारी करें। तो ये जो हमारी नमाज है, ये जो ईद का जो दिन है, इसके दिन में गरीबों की भी मदद होती है और समाज को एक अच्छा इससे मैसेज जाता है। ये ईद हमारी बाहमी मोहब्बत और बाहमी जो है एक दूसरे से कुर्बत का ज़रिया है। तो इंशाल्लाह हमने और हमारी जो है कमिश्नर साहब ने बातों को बहुत संजीदगी से सुना, हम उनके आभारी भी हैं, उनके शुक्रगुजार भी हैं। मुझको ऐसा लगता है कि हमारे जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आई है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे, हम इंशाल्लाह प्रशासन का पूरा साथ देंगे, ये बातें वहाँ पर खास तौर पर रखी गई। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।